में आपको एक टूर दूंगा T3 से T2 एयरपोर्ट का। T3 पे हूँ तो यहाँ से मूव करके मैं जा रहा हूँ T2 पे, तो देखते हैं कि कहाँ से रास्ता है T2 का। तो ये जो मेरा ब्लॉग है काफ़ी ठीक होगा, बढ़िया होगा, तो मैं आपको यहाँ से मूव करके दिखाऊंगा पूरा। पहले यहाँ से चलते हैं, T2 का अभी यहीं से निकल के भी जा रहा हूँ। तो अभी रास्ते में शायद मेरी अभी जो फ्लाइट है वो सुबह 6 बजे होगी। यहाँ से ये जो पूरी रोड गई है, ये रोड जा रही है T3 पे, तो यहाँ से आप T3 का गया वहाँ से देख सकते हैं। आज जो मैंने GoPro लिया था इसको भी मैं थोड़ा यूज़ करके देख रहा हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो T2 का देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इन्होंने बोर्ड भी लगाया है जो आपको सीधा डायरेक्शन दे रहा है कि वी आर मूविंग टू T2। तो ये आ गया टर्मिनल ट्रांसफ़र का जो मैप होता है, चाहे यहाँ पर उन्होंने वो बनाया हुआ। चलो भाई, ये हम पहुँच गए T2 एंड दिस इज़ T2 इंटरनेट डोमेस्टिक टर्मिनल इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी आर जस्ट अप्रोचिंग इट फ्रॉम हियर and I think the arrivals are from there. Arrivals I think from there. T2 के डिपार्ट से हम लोग आ गए हैं। Is on the first floor, so I'm inside the lift and going to the first floor. तो भाई अभी हम आगे हैं टर्मिनल 2 पे, मेरा फ्लाइट का टाइम है, ज़रा वो चेक कर लूँ, उसके बाद आई विल एंटर द एयरपोर्ट। के टाइमिंग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ T2 एयरपोर्ट पे। यहाँ पे इसके बाद यहाँ से मैं अपनी निकलूँगा फ़्लाइट जो मेरे को लेके जाएगी बेंगलोर, और फ्रॉम बेंगलोर से अपनी दूसरी फ्लाइट लेके मैं जाऊँगा पोर्ट प्लेयर। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ दिल्ली के T2 एयरपोर्ट टर्मिनल है, वहाँ पर मैं अभी पहुँच गया हूँ। कोविड के चलते यहाँ पर अभी कुछ इतना मतलब रश नहीं है बोर्डिंग के लिए, क्योंकि जो भी अपने हमारे मतलब बोर्डिंग पासेज रहते हैं वेब से निकाल लेते हैं, मतलब जो आपका वेब चेक इन होता है हम उसे निकाल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स।